राजस्थान और हरियाणा की बॉर्डर पर बसा हुआ एक छोटा सा गांव चक राजासर। यहाँ पे सबसे बड़ी कोई चीज थी तो वो थी इज्जत। और चक राजासर का सरपंच का चुनाव हमेशा इज्जत से जोड़ा गया। यहाँ पर ना तो चुनाव में किसी को हार कबूल थी और ना ही गांव में प्यार में हुई कोई जीत। और जब चुनाव और प्यार दोनों मुद्दे एक ही घर से जुड़ गए तो गांव का माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। बड़ा भाई राणा, जो कि आगे आने वाले चुनाव में सरपंच बनने के सपने देख रहा था, उसी के छोटे भाई अर्जुन ने गांव में प्रेम विवाह करके उसका ये सपना और भी आसान कर दिया। अब बस राणा को इसका फायदा उठाना था। ऐसे मौके में राणा किसी भी हद तक जा सकता था और समाज के मुद्दों का फायदा उठाना इस देश में एक नेता से बेहतर कौन जानता है। विनोद, सुन लिया होगा तुमने आज गांव में क्या हुआ है। हाँ भाई साहब, गलत ही पंगा ले लिया अर्जुन ने। अरे पंगा लिया किसी से? अपने बड़े भाई राणा से। अब देखते हैं राणा अपनी सीट बचाता है या अपने भाई को। भाई साहब, अब तो बहुत बुरा फंस गया अर्जुन। गांव के अंदर तकड़ा माहौल बनेगा। अब क्या करनी है? क्या तेरी राजनीति चमकानी है बेटे? राजनीति चमकानी नहीं है मेरी यहाँ पर। सरपंच साहब, सरपंच ही आपके बस की रही नहीं, गांव को नए सरपंच की जरूरत है, जवान। और आपकी तो सोच भी बूढ़ी हो चुकी है। अब किसका पता थोड़े ही चलता है इस सत्यानाश के जमाने में कौन अच्छा है और कौन बुरा है। कमाल है सरपंच साहब, आप अब भी इसका पक्ष लोगे? सरपंच साहब, न्याय चाहिए हमें। न्याय तो मैं दिलाऊंगा आप लोगों को। और क्या कहते थे आप, जो करेगा ये करेगा? कर दिया इसने तो, आपका भी काम खराब, पूरे गांव का भी नाम बदनाम। मैं तो मेरे भाई से मिलने आया हूं। भाई है ये मेरा, अच्छे वाड़ा। इसका प्यार तो उतर चुका है, कितना मारा है इसको। जानवर नहीं है ये, भाई है मेरा।
अब करना क्या है इसका? करना इसका तो अब क्या ही है, करना तो उसका है जिसने इसका दिमाग खराब करके रखा हुआ। कब से उसको बाहर निकाल के लिया। जगह तो ठीक है ना? अब तो वक्त भी अपना है, जगह भी अपनी है, राज भी अपना है। अब नहीं बचेगी वो। तो तोड़ देते हैं ना अकड़ उसकी। तो तोड़ देते हैं ना अकड़ उसकी। चल फिर तोड़ ही देते हैं अब तो। वाह मेरे शेर, कर दिया जो तूने कहा था। पंगा भी तो उसने किससे लिया था? राणा से। उसके साथ तो होना ही था। अब वो जब भी अपना चेहरा शीशे में देखेगी तो तुम्हें याद करेगी राणा। अब देखता हूँ उस जली हुई को कौन लेके जाता है, कौन स्वीकार करता है। लड़की को लाने गया था, लेके नहीं आया। अब नहीं हो पाएगा। कहाँ है वो? लेके नहीं आया। ये तूने क्या कर दिया अर्जुन? कैसे समझाऊंगा मैं इनको? क्यों किया तूने ये? क्यों किया तूने ये? बोल क्यों किया तूने ये? मैं जिंदगी भर सो नहीं पाऊंगा अब। बोल ना मेरे भाई, बोल क्यों किया तूने ये? क्यों किया अर्जुन तूने ये? जवाब दे मुझे, क्यों किया? मेरी कोई गलती नहीं है भाई। आप उसका सच स्वीकार नहीं कर पाए,
कि वो आपको नहीं चाहती। आपको जो ठीक लगा वो आपने किया, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। इसलिए स्वीकार किया ताकि ये जिंदगी भर ये ना सोचे कि मुझे किसी ने स्वीकार क्यों नहीं किया, इसलिए मैंने इसको स्वीकार किया। कब से बोल रहे हैं लड़की को लेकर नहीं आया?